हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लासेस एंजल यदफ असल वालेकुम असल तो आज जो हमारा डिस्कशन है वो एनालॉजी पर है ठीक है रीजनिंग की हम लोग बात कर रहे हैं और किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले उसके बारे में बता दूं रीजनिंग में ये जो चैप्टर एनालॉजी है इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे ठीक है आज कर रहे हैं पार्ट वन टुडे, आज का शेड्यूल चार बजे से लाइव आए हम लोग और आज करेंगे इसका एनोलॉजी का पार्ट वन ठीक है कल कल की क्लास में सेम टाइम पर हम इसका करेंगे पार्ट टू ठीक है दो पार्ट में ये पूरा कंप्लीट करेंगे एनोलॉजी जो चैप्टर है रीजनिंग का वो हम दो पार्ट में करेंगे पार्ट वन और पार्ट टू ठीक है यहां मेरे साथ सहला बानो असल वालेकुम असलम गेमर गुड आफ्टरनून फरीना अनवर अन्वर वालेकुम वाले मदिया वालेकुम वाले अन वालेकुम असलम साजिद वालेकुम असलम ठीक है तो बेटा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस क्या कर लिया है वो बता दू मैंने आपको रीजनिंग में क्लॉक दो पार्ट में पढ़ाई हुई है क्लॉक पार्ट वन पढ़ा दिया है मैंने क्लॉक पार्ट टू ये मैंने आपको पढ़ा दिया है ठीक है रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूं रीजनिंग में मैंने क्लॉक पढ़ा दिया है आपको दो पार्ट में दो वीडियो है पार्ट वन और पार्ट टू ठीक है और मैंने एक वेन डायग्राम पढ़ा दिया है आपको वेन डायग्राम ठीक है वेन डायग्राम मैंने पढ़ा दिया है तो हमारा एक लेक्चर क्लॉक का पढ़ा हुआ है एक लेक्चर क्लॉक पार्ट टू एक लेक्चर वेन डायग्राम और अब नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं वो एनोलॉजी और ये एनोलॉजी जो चैप्टर है वो दो पार्ट में पढ़ेंगे पार्ट वन और पार्ट टू आज पार्ट वन की बात करेंगे कल पार्ट टू की बात करेंगे ठीक है हर्ष गौतम गुड इवन अंजुम वालेकुम असलाम ठीक है तो पहले मैं आपको एनोलॉजी में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं बता दे रहा हूं एनोलॉजी को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं एनोलॉजी को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं सबसे पहला पार्ट हम लोग वर्ड बेस्ड पढ़ेंगे वर्ड बेस्ड वर्ड बेस्ड दूसरा पार्ट हम लोग डिजिट बेस्ड पढ़ेंगे डिजिट बेस्ड और तीसरा इसका क्लासिफिकेशन है अल्फाबेट बेस्ड ठीक है अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी को अगर हम डिवाइड करें तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इन तीन पार्ट से रिलेटेड आएगा बेटा इन तीन पार्ट में से किसी से रिलेटेड आएगा या तो वर्ड बेस्ड या डिजिट बेस्ड या अल्फाबेट बेस्ड ठीक है वर्ड बेस्ड में हमें जनरल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत जनरल साइंस ठीक है जीएस जीएस की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए वर्ड बेस्ड एनोलॉजी समझने के लिए डिजिट बेस्ड में मैथमेटिकल नॉलेज होनी चाहिए तो मैं खुद यहां पर अवेलेबल हूं उसके लिए और अल्फाबेट में भी थोड़ी बहुत नॉलेज मैथमेटिक्स की हमारा हेल्प करेगी ठीक है वालेकुम वाले जुनेद ठीक है तो बेटा मैं आज की क्लास में वर्ड बेस्ड एनोलॉजी पढ़ाऊंगा और डिजिट बेस्ड का इंट्रोडक्शन दूंगा ठीक है आज आप एक तरीके समझोगे आपकी जीएस की क्लास है ठीक है आज आप समझोगे आपकी जीएस की क्लास है ठीक है तो मैं वर्ड बेस्ड स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर हेडिंग लगा लीजिए वर्ड बेस्ड एनोलॉजी और इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि जितना मैट, जितना मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसी मटेरियल में से इंशाल्लाह क्वेश्चन बनेगा ठीक है उसी मटेरियल में से इंशाल्लाह क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है बस आप नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा पूरी रीजनिंग कराऊंगा बस प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा ठीक है तो पहले मैं आपको करा रहा हूं वर्ड बेस्ड वर्ड बेस्ड एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वर्ड बेस्ड में साइगोमीटर साइगोमीटर ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर ठीक है और दिस इज द सिंबल ऑफ एनोलॉजी जो प्रपोर्शनलिटी का सिंबल होता है वही एनोलॉजी का सिंबल होता है ठीक है एनोलॉजी का मतलब बेसिकली होता है रिलेशन रिलेशन ठीक है या आप बोल सकते हो सिंबल ऑफ एनोलॉजी नेक्स्ट डिवाइस आपको दी हुई है हाइग्मीटर एक्स की प्लेस पर आपको बताना है क्या होगा ठीक है एक्स की प्लेस पर हां बेटा डेली क्लास होगी एक्स की प्लेस पर आपको बताना है क्या होगा ऑप्शन नंबर ए स्पेसिफिक डेंसिटी स्पेसिफिक डेंसिटी ऑप्शन नंबर बी ह्यूमिडिटी ऑफ एयर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर ऑप्शन नंबर सी डेप्थ ऑफ द वॉटर डेप्थ ऑफ द वॉटर ऑप्शन नंबर डी डेप्थ ऑफ द सी डेप्थ ऑफ द सी ठीक है ये वर्ल्ड बेस्ड एनालॉजी है ठीक है यहां पर पहले मैंने लिखा हुआ है साइगोमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए भाई साइगोमीटर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए तो ये बताइए हाइगोमीटर को यूज करेंगे क्या चीज मेजर करने के लिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आर ऑप्शन इसके लिए बेटा कोई फॉर्मुला नहीं है ठीक है जितना नॉलेज आपको होगी उतने अच्छे से आप आंसर कर पाओगे ठीक है अजरा पूछ रही है सर आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा दिया है या अभी पढ़ाएंगे बेटा अभी मैंने सिर्फ क्लॉक और वेन डायग्राम पढ़ा है यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है क्लॉक और वेन डायग्राम ये तीसरा चैप्टर शुरू कराया एनोलॉजी पढ़ाएंगे ठीक है तो बेटा इसका आंसर दो साइगोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उसका हम यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हाइगोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज हम किस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं अब्दुल बेटा आंसर करो आंसर करो हाइगोमीटर जो डिवाइस है उसका यूज हम किस चीज को मेजर करने के लिए करते हैं जितना इंशाल्लाह आपको दिखा रहा हूं उसी में से इंशाल्लाह क्वेश्चन मिलेंगे आपको बेटा इसका कोई फॉर्मुला नहीं है आपके अपनी नॉलेज है कुछ चीजें मैं लिखाऊंगा अभी ताकि आप एक अच्छा नोट्स बना पाओ चलो तो एक काम करता हूं थोड़ा मैं बता दे रहा हूं क्योंकि मैथ्स नहीं है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसको लिख लीजिए ठीक है बेटा एक इंफॉर्मेशन ये नोट कर लो एक रिलेशन बेटा ये नोट कर लो कि साइगोमीटर साइगोमीटर जो डिवाइस है उससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं हाइगोमीटर जो डिवाइस है उससे हम एयर की ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं ठीक है तो बेटा ये साइगोमीटर और हाइगोमीटर साइगोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे हाइगोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर करेंगे एयर की ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी का मतलब समझते हो नमी ह्यूमिडिटी का मतलब मॉइस्चर मॉइस्चर ठीक है मॉइस्चर वॉटर वेपर प्रेजेंट इन दर एयर मॉइस्चर का मतलब क्या होता है वॉटर वेपर वॉटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ठीक है तो अगर एयर में वॉटर वेपर की क्या क्वांटिटी है एयर में मॉइस्चर कितना है एयर की ह्यूमिडिटी कितनी है ये अगर मुझे मेजर करना है तो इसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है इट इज हाइगोमीटर ठीक है तो इस तरीके के सवाल आपके बन सकते हैं कुछ बातें मैं लिखा दे रहा हूं उसको नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंशाल्लाह सवाल आपको वर्ड बेस से अगर आया तो यहीं से देखने के लिए मिल जाएगा इसको नोट कर लीजिए ठीक है अभी कुछ दिन पहले अभी बहुत ज्यादा यह चल रहा है कि जगह जगह पर अभी अलीगढ़ में भी कुछ दिन पहले अर्थक्वेक आया हुआ है ठीक है तो एक सवाल हमारा यह भी बन जाता है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। यह अर्थक्वेक की वेव्स को रिप्रेजेंट करता है अर्थक्वाइक की वेब्स को रिप्रेजेंट करता है बेटा इसको नोट कर लो ये जीएस का भी पार्ट है जीएस में भी आपकी हेल्प होगी ठीक है सिस्मोग्राफ एक तरीके का ग्राफ है ठीक है एक तरीके की रिप्रेजेंटेशन है वेव्स की फॉर्म में जो किसको शो करती है अर्थक्वाइक की फ्रीक्वेंसी क्या है अर्थक्वाइक कितने जैसे आपने सुना होगा कि सेवन रेंज का अर्थक्वाइक आया फोर फोर्टीन रेंज का अर्थक्वाइक आया है ना टू रेंज का आया अर्थ तो अर्थक्वेक की जो रेंज है उसको कौन करते हैं उसको क्या हम सिस्मोग्राफ ठीक है आगे देखो जरा एक इंस्ट्रूमेंट है लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर बेटा लैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें यह पता पड़ता है कि प्योरिटी ऑफ मिल्क कितनी है प्योरिटी ऑफ मिल्क मिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए आप यूज करोगे लैक्टोमीटर का ठीक है लैक्टोमीटर को आप डिवाइस बोल सकते हो लैक्टोमीटर को आप इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो कोई भी एक डिवाइस है कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका आप यूज कर रहे हो प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करने के लिए आदिल आदिल वाले वालेकुम बेटा ठीक है एक है बेटा आपके पास एक है आपके पास अल्टीमीटर अल्टीमीटर ठीक है अल्टीमीटर अल्टी अल्टी वर्ड बना है अल्टी अल्टीट्यूड से तो इट इज यूज फॉर मेजरिंग द एल्टीट्यूड 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 का मतलब होता है बेटा हाइट ठीक है तो एल्टीट्यूड की स्टार्टिंग किससे हो रही है ए एल टी आई ठीक है और इस इंस्ट्रूमेंट की स्टार्टिंग किससे हो रही है ए एल टी आई तो अल्टीमीटर इज यूज टू मेजर द हाइट टू मेजर द एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए आप अल्टीमीटर का यूज करते हो ठीक है नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज एरोमीटर 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 से क्या होता है एरोमीटर से आप मास एंड डेंसिटी ऑफ एयर मेजर कर सकते हो ठीक है इट इज यूज टू मेजर मास एंड डेंसिटी ऑफ एयर ये इंपॉर्टेंट भी है एरोमीटर एरोमीटर इज यूज टू मेजर द मास एंड डेंसिटी ऑफ एयर एयर का मास एयर की डेंसिटी जिस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं दैट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज एरोमीटर ठीक है आगे देखो जरा। नेक्स्ट इज क्रेस्कोग्राफ 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 ग्रोथ ऑफ द प्लांट ये मेजर करता है ग्रोथ ऑफ द प्लांट ग्रोथ ऑफ द प्लांट प्लांट ये कौन मेजर करता है क्रेस्को ग्राफ। क्रेस्को ग्राफ की help से मेजर मेजर द भाई भी करेगा बेटा उसकी वजह है जब मास और डेंसिटी मेजर करेगा तो एयर की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी भाई जितना हल्की डेंसिटी एयर की उतनी क्वालिटी एयर की अच्छी है ना और एयर की डेंसिटी जितना भारी उतना बेकार क्वालिटी जैसे आप दिल्ली साइड जाओगे तो वहां पर डेंसिटी ऑफ एयर बहुत ज्यादा होती है इसीलिए पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है पॉल्यूशन की वजह से तो वहां क्वालिटी ऑफ एयर बेकार है और जितना गांव साइड आओगे छोटे शहर साइड आओगे वहां एयर की डेंसिटी कम होती है है ना तो आप यह भी बोल सकते हो कि एरोमीटर इज यूज टू मेजर द क्वालिटी ऑफ एयर टू मेजर द क्वालिटी ऑफ एयर ठीक है क्रेस्कोग्राफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट ठीक है एक होता है आपका फेदोमीटर फैदोमीटर इट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी द डेप्थ ऑफ द सी सी समुद्र की गहराई को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है डेट इंस्ट्रूमेंट इज फैदोमीटर और बेटा एक बात और बता दू डेप्थ ऑफ द सी कैसे मेजर करेगा ये? यूजिंग अल्ट्रासाउंड वेव्स अल्ट्रासाउंड वेव्स निकलती हैं इसके अंदर से और उन अल्ट्रासाउंड वेव्स की हेल्प से ये समुद्र की गहराई बता देता है कितनी है ठीक है डेप्थ ऑफ द सी कौन मेजर करता है फेदोमीटर कैसे मेजर करता है बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड वेव्स अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज करके ठीक है और एक बात मैं आपको और बता दू ऐसा यूनिट अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो वन फैदम वन फैदम इज इक्वल टू 1.8288 मीटर ये आपको रटना नहीं है नोट्स में लिख जरूर लीजिएगा इंपॉर्टेंट बात है सिर्फ नजर डालनी है ठीक है सिर्फ नजर डालनी है आयन सर ये मेरे समझ में नहीं आया आयन बताओ क्या समझ में नहीं आया फैदोमीटर भाई फैदोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप डेप्थ ऑफ द सी मेजर कर सकते हो समुद्र कितना गहरा है ये मेजर कर सकते हो कैसे करोगे ये इंस्ट्रूमेंट अपने अंदर से अल्ट्रासाउंड वेव्स निकालता है तो वो अल्ट्रासाउंड वेव्स जहां तक टच कर जाती है ऐसा कुछ ऐसा कुछ मान लो ये समुद्र है ठीक है और ये शिप है या बोट है आपने यहां लगा दिया फैदोमीटर तो इसके अंदर से अल्ट्रासाउंड वेव्स निकलती हैं, ठीक है ठीके? इससे हमें पता पड़ता वन फेदम कितना होता है वन पॉइंट एट टू एट मीटर होता है ये इसकी ऐसा यूनिट है ठीक है बताइए एक बार अब ये बताओ एक एक वर्ल्ड बेस पे क्वेश्चन दे दू या आगे बात करूं सर इंग्लिश पॉलिटी की वीडियो बनाइए बेटा ये समझ आया है नहीं एक बार ये बताओ उस पर क्वेश्चन दू आपको या फिर आगे बात करूं एक बार थमसअप कर दीजिए अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार अप कर दीजिए यहां तक क्लियर है तो अगर कोई डाउट है तो बोलिए क्वेश्चन दे ने चलो इसी से रिलेटेड में आपको क्वेश्चन देता हूं ठीक है चलिए बताइए बताइए प्योरिटी ऑफ मिल्क प्योरिटी ऑफ मिल्क ठीक है इसके लिए हो गया लैक्टोमीटर ठीक है साइन ऑफ एनोलॉजी प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए हो गया लैक्टोमीटर अब आपको बिना ऊपर से देखे बताना है ठीक है बिना ऊपर देखे आपको बताना है तो बताइए कि ग्रोथ ऑफ द प्लांट ग्रोथ ऑफ द प्लांट इसके लिए क्या हो जाएगा अब आपको एक एक बार नजर डालनी है ठीक है क्योंकि जब ऑप्शन आपके सामने आएंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसका बताओ जरा प्योरिटी ऑफ द मिल्क हो गया लैक्टोमीटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट क्या वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू क्या नहीं एनालिटिकल पजल और एनोलॉजी में थोड़ा सा फर्क है लगभग तीस परसेंट का वो भी मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा फर्क है ना इब्राहिम थोड़ा सा फर्क है ठीक है बच्चों ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया है बच्चों ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया है क्रिस्कोग्राफ बहुत सही लरेब का आंसर आ रहा है और अब्दुल राजिक, अंजुम अली बहुत सही ठीक है तो जो भी मैंने ऊपर बताया वो आप अलग से एक नोट्स में डाल लो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है काम आएगी आपके लिए ठीक है अब हम वर्ड बेस्ड पर ही आगे बात करते और अब एक क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि प्रोडक्ट एंड रॉ मेटेरियल प्रोडक्ट एंड रॉ मेटेरियल ये भी वर्ड बेस में ही लाई करेगा ठीक है तो इसके लिए भी कोई फॉर्मूला नहीं है बल्कि आपकी अपनी नॉलेज है कि आपको कितना चीजें पता है और वो इंप्रूव होगी जीएस से ठीक है तो प्रोडक्ट एंड रॉ मेटेरियल में जैसे इस तरीके के सवाल जैसे बहुत आसान सी अगर मैं बात करूं तो बटर ठीक है बटर मिल्क साइन ऑफ एनोलॉजी और यहां पर मैं आपको दे दू वाइन एक्स वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ऑप्शन नंबर ए मैंने आपको दे दिया वेजिटेबल्स ऑप्शन नंबर बी मैंने आपको दे दिया फ्रूट्स ऑप्शन नंबर सी ग्रेप्स ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर टी पेंस बताइए तो यहां पर हमें ये देखना होता है कि जैसे बटर और मिल्क रॉ मेटेरियल और प्रोडक्ट है रॉ मेटेरियल और प्रोडक्ट जैसे मिल्क का प्रोडक्ट क्या है बटर है मिल्क रॉ मेटेरियल उसका प्रोडक्ट बटर है इसी तरीके से आपको बताना है कि वाइन किससे बनती है वेजिटेबल से ग्रेप से फ्रूट से या पैन से हर्ष गौतम तो बता रहे हैं फ्रूट से. कुनाल ग्रेप्स, अंजुम ग्रेप्स, कैफसी ग्रेप्स. है बेटा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चे फ्रूट्स भी लगा के आते हैं लेकिन अगर ऑप्शन में ग्रेप्स अवेलेबल है तो फिर आप फ्रूट्स पर टिक नहीं करोगे क्योंकि वाइन फिर आप बोलोगे प्योरली किससे बनेगी ग्रेप्स से ही बनेगी ठीक है और अगर यहां ग्रेप्स नहीं होता सिर्फ फ्रूट्स होता तो फिर मैं फ्रूट्स की तरफ जाता ठीक है तब मैं फ्रूट्स की तरफ जाता बस बात समझ रहे हो चलो एक सवाल और दे रहा हूं अच्छा ऐसे आप बताओ, जैसे वुड ठीक है तो वुड से क्या बन जाएगा फर्नीचर वुड से फर्नीचर बन सकता है ये सिर्फ आपको ऐसी लिखवा रहा हूं मैं नोट्स में डाल लीजिएगा लेटेक्स लेटेक्स से क्या बनता है रबर लेटेक्स से रबर बनती है, है ना ये नोट कर लीजिएगा बेटा और मुझे थोड़ा सा ऐसा फील आ रहा है कि लेटेक्स इंपॉर्टेंट भी आपके लिए ठीक है वुड से फर्नीचर बनेगा है ना लेटेक्स से रबर बनेगी वेज में अगर डेट्स और ग्रेप्स दोनों आ गया तो तो ग्रेप करेंगे डेट्स सिर्फ जो डेट्स है वो उसका प्रॉपर रॉ मेटेरियल नहीं है डेट्स जो है यानी जो खजूर है वो फ्लेवर के लिए डाले जाते हैं फ्लेवर के लिए लेकिन एग्जैक्ट उसका रॉ मेटेरियल ग्रेप्स है ठीक है चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आगे सोशोलॉजी सोशोलॉजी सोसाइटी बोटनी एक्स ऑप्शंस ब्लड सोइल मिट्टी फॉजिल्स प्लांट्स ठीक है बोल रहा है सोशियोलॉजी को आप सोसाइटी से कनेक्ट कर पा रहे हो तो बुटेनी को किससे कनेक्ट करोगे बुटेनी को किससे कनेक्ट करोगे सना आर्जु ग्रेप्स ठीक है आगे बढ़ जाओ बताइए बेटा अंजू अली का आंसर आया प्लांट्स लरेप का आंसर आया प्लांट्स वेरी गुड आसान सी बात है भाई बोटनी को किससे कनेक्ट करेंगे प्लांट्स है द स्टडी ऑफ प्लांट्स प्लांट्स की स्टडी बोटनी की तरफ जाएगा ठीक है अच्छा अब क्योंकि ये ऑप्शन मैंने दे दिए तो इसके पे हम डिस्कशन कर लेते हैं सिर्फ नॉलेज के लिए सिर्फ नॉलेज के लिए ठीक है चलो सोसाइटी सोशोलॉजी से कनेक्ट कर दिया प्लांट्स बोटनी से कनेक्ट कर दिया ऑप्शन नंबर है ब्लड का स्टडी ऑफ ब्लड ब्लड इसको बेटा नोट कर लो इसको बोलते हैंमेटोलॉजी हेमेटोलॉजी हेमेटोलॉजी एक ऑप्शन आपका सोइल भी है सोयल की स्टडी पेडोलॉजी पेडोलॉजी फॉजल फॉजल फ्यूल्स जानते हो क्या होते हैं फॉजल फ्यूल्स फॉजल फ्यूल्स जानते हो क्या होते हैं फॉजल फ्यूल्स क्या होते हैं ऐसा ऐसा माना जाता है कि जो कोल और पेट्रोलियम है कोल और पेट्रोल कोल और पेट्रोल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉजल्स ये फॉजल्स के एग्जाम्पल है हजार हजार साल पहले मिलियंसर्सो बहुत साल पहले जो ऐसे जानवर थे जो अब मौजूद नहीं है जैसे डायनासोर्स वगैरह ठीक है तो ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा आर्थकआक आया है ना जमीन फट गई बीच से बारिशें हुई और ऐसा कुछ हुआ कि वो सारे लोग मर गए वो डायनासोर्स वगैरह का सरवाइव करना मुश्किल हो गया मर गए मरने के बाद उनकी बॉडी जमीन पे आ गई जमीन पे पड़े हुए ठीक है अब बारिश हो रही है ऊपर से ठीक है अर्थक्वाय आ रहा है ठीक है जमीन फटी बॉडी अंदर चली गई अर्थक्वायक आया आंधिया चली धीरे धीरे उनकी बॉडी अंदर दफती चली गई ठीक है अब उनकी बॉडी जो अंदर दफती चली गई उनकी बॉडी के जो रिमेन्स हैं जो हमें अब मिल रहे हैं उनकी बॉडी में से जो ऑयल निकला उनकी बॉडी में से जो ऑयल निकला वो ऑयल कन्वर्ट हो गया क्रूड ऑयल में वो ऑयल कन्वर्ट हो गया क्रूड ऑयल में और वो क्रूड ऑयल कन्वर्ट हो गया किसमें पेट्रोल में और जो उनकी बॉडी ढांचा वगैरह जो उनका था है ना या जो प्लांट्स बहुत पुराने जमाने में जो बड़े बड़े पौधे थे बारिश की वजह से अर्थक्वेक की वजह से वो प्लांट्स अंदर डूब गए तो उन प्लांट्स का जो रिमेन है वो आज कोल है ठीक है कोल क्या है उन प्लांट्स का रिमेन उन प्लांट्स का रिमेन और जबकि ये पेट्रोल वगैरह क्या होता है ये पेट्रोल वगैरह क्या होता है ये डायनासोर वगैरह जो मरे थे डायनासोर्स वगैरह जो मरे थे उनका जो ऑयल है ठीक है उनका जो ऑयल ऐसे आपने देखा है ना कोई चीज जल जाए तो उसमें से तेल निकलता है तो उनका जो ऑयल है वो आज हमें क्रूड ऑयल की फॉर्म में मिला हुआ है ठीक है और ये बच्चा अंजुम अली इसने बहुत अच्छी बात लिखी है बोल रहा है स्टडी ऑफ इज नोन एज इज नोन एज थोड़ी सी स्पेलिंग गलत लिखी है इट इज प्लेसेंटोलॉजी प्लेसेंटोलॉजी प्लेसेंटा से बनाए प्लेसेंटोलॉजी बेटा प्लेसेंटोलॉजी प्लेसेंटा वर्ड से बनाए प्ले सेंटा आपने थोड़ा सा गलत लिया पैलियोनोलॉजी पता नहीं ऐसा कुछ लग रहा है लेकिन याद रखिए फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी को बोलते हैं प्लेसेंटोलॉजी ये प्लेसेंट वर्ड से बना है प्लेसेंटा 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 आप शायद जानते होगे प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है तो उस प्लेसेंटा से ये बना है प्लेसेंटोलॉजी एक बार दोबारा रिपीट करवा रहा हूं सोशियोलॉजी सोसाइटी से कनेक्टेड है बोटनी

अहमद गजल गजली वालेकुम असला बेटा ये बताओ ये क्लियर हुआ आगे बात करूं आगे बात करूं ये क्लियर हुआ ये क्लियर हुआ तो आगे बढ़ूं बेटा एक बार अप कर दो एक बार अप कर दो बेटा अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं कुछ नए और अच्छे क्वेश्चंस के साथ यस सर क्लियर मदिया फातमा क्लियर मुस्कान इर्शद बहुत बढ़िया ठीक है जैनब जमीर यस सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो अब बेटा थोड़ी सी आगे और बात करते हैं इसी में वर्ड बेस में आगे चल रहा हूं ठीक है मार्कर मैं आपके लिए चेंज कर ले रहा हूं यहां पर हर्ट इसका रिलेशन दिया हुआ है पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम ठीक है ब्रेन का आपको बताना है क्या होगा ठीक है ऑप्शन है हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस सेरिब्रम, क्रेनियम पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड बताइए आप बताइए फिर इंफॉर्मेशन मैं देना आपको स्टार्ट करता हूं अब्दुल वाहिद बोल रहे हैं बी सेरिब्रम सेरिब्रम और मोस्टली बच्चों ने सही बताया थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं थोड़ा सा सही कर दूं ये होता क्या है वो बता दूं ठीक है ये जो पेरिकार्डियम है ये जो पेरिकार्डियम है व्हाट इज पेरिकार्डियम इट इज द आउटर सरफेस ऑफ द heart, इट इज द आउटर सरफेस ऑफ द हर्ट ठीक है हर्ट की आउटर सरफेस है पेरिकार्डियम ठीक है जैसे बोलते हैं ना जब फर्स्ट हार्ट अटैक आया किसी को या हार्ट अटैक किसी को होता है तो बोलता है कि दुखन हो रही है पहले हार्ट अटैक में ये नहीं है कि इंसान पड़ गया ऐसा नहीं होता पहला हार्ट अटैक जो होता है जब आपका बीपी थोड़ा सा हाई हो जाता है पसीना आने लगता है और हल्का सा बोलते हैं चमक मार रही है चेस्ट पिन हो रहा है तो वो दुखन जो होती है वो होती है आपकी पेरिकार्डियम पे तो पेरिकार्डियम इज व्हाट इट इज द आउटर सरफेस ऑफ द हार्ट ये हार्ट का आउटर सरफेस है पेरिकार्डियम अब अगर हार्ट का आउटर सरफेस हमसे पूछा है तो ये सारे ऑप्शन ये सब ब्रेन से कनेक्टेड है लेकिन मुझे आंसर किसका चाहिए मुझे ब्रेन का आउटर सरफेस बताना है क्या होगा ब्रेन का आउटर सरफेस क्या होगा मेरी बात बहुत ध्यान से समझना बहुत ध्यान से समझना सिर्फ एक बच्चा फैसला है जिसने सही आंसर दिया है बेटा हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, क्रेनियम और पिट्यूटरी ग्लैंड ये सब ब्रेन से ताल्लुक रखते हैं लेकिन एनालॉजी का मतलब होता है रिलेशन का पहचानना हार्ट और पेरिकार्डियम में क्या रिलेशन है पेरिकार्डियम हार्ट का आउटर सरफेस है बाहरी सतह पेरिकार्डियम है तो हमें ब्रेन की बाहरी सतह बतानी है तो बेटा सेरिब्रम इज आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरिब्रम इज आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन यह दिमाग का बाहरी हिस्सा होता है ना कि बाहरी सरफेस क्रेनियम इज द आउटर सरफेस ऑफ द ब्रेन आउटर सरफेस आउटर सरफेस जो है ब्रेन की वो क्रेनियम है लेकिन आप सेरिब्रम आंसर क्यों कर रहे थे क्योंकि सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का बाहरी हिस्सा आउटर पार्ट है ठीक है इसके अंदर फिर चीजें होती हैं हाइपोथैलेमस है <coughs> हाइपोथैलेमस है इसके अंदर होगा सेरिबेलियम एक वर्ड होता है सेरिबेलियम सेरिबेलियम इस तरीके से मुझे स्पेलिंग याद नहीं है सेरीबेलियम ये सेरिब्रम के अंदर होता है इंटरनल पार्ट है क्रेनियम ये आउटर सरफेस है और पिट्यूटरी ग्लैंड आप जानते हो ज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी हमारी बॉडी का सबसे छोटा ग्लैंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड पिटुईट्री ग्लैंड होता है कहां पाया जाता है ब्रेन में हाइपोथेल हाइपोथेलमस में पिटुईट्री ग्लैंड ठीक है हा एमडी अशद लिख रहे हैं सर सेब सैरिबलम मॉडल ऑबलेगेटा और द्री पार्ट ऑफ वर ब्रेन वेरी गुड तो यही है बेटा सेरीबलम इंटरनल पार्ट होता है और इन्होंने मॉडल ऑब्लैंगेटा लिखा है यह मिडल पार्ट होता है ठीक है आउटर सरफेस क्रेनियम बहुत सही बहुत सही तो ये सब के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है कहां मिलता है ब्रेन में ठीक है ब्रेन में अच्छा कोई बच्चा मुझे ये बता पाएगा कि चलो एक सवाल यहीं से बना दे रहा हूं एक सवाल यहीं से बना दे रहा हूं एक सवाल यहीं से बना रहा हूं दे दे देखते हैं आपकी नॉलेज कितनी है एक मिनट इशू हो रहा है एक सवाल यहीं से बना दे रहा हूं मैंने बोला स्मॉलेस्ट ग्लैंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड सबसे छोटा ग्लैंड आपने बोला पिटुविट्री ग्लैंड ठीक है साइन ऑफ एनोलॉजी साइन ऑफ एनोलॉजी बताइए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी लार्जेस्ट ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड बताइए लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है सबसे छोटा ग्लैंड बॉडी का पेटविटरी ग्लैंड है ब्रेन में होता है लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है Liver, बहुत शानदार लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज लिवर सबसे छोटा ग्लैंड बॉडी का पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्रेन में होता है लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर जो अच्छा ग्लैंड पता है क्या होते हैं ग्लैंड क्या होते हैं ग्लैंड वो है जो कोई ना कोई जूस सीक्रेट करते हैं कोई ना कोई जूस सीक्रेट करते हैं यानी हमेशा बॉडी में कुछ ना कुछ लिक्विड देते रहेंगे वो तो लिवर जो है जो लिवर है जो लिवर है वो वो क्या करता है जो लिवर है वो बाइल जूस को सीक्रेट करता है बाइल जूस ठीक है और बाइल जूस येलो कलर का होता है येलो कलर का होता है बाइल जूस ठीक है अगर बाइल जूस बहुत ज्यादा सीक्रेट करना स्टार्ट कर दे लिवर तो आपको बीमारी हो जाती है पीलिया पीली पड़ जाती है आपकी बॉडी पीलिया सुना पीली पड़ जाती है बॉडी तो पीली पड़ रही है क्या हो रहा है लिवर ने बाइल जूस बहुत ज्यादा सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया ठीक है सर जनरल तो ये, ये कुछ सवाल थे बेस्ट उन, बेस्ट उन वर्ड कल से इंशाल्लाह हम डिजिट और अल्फाबेट की क्लास करेंगे एक सवाल आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं एक सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं एक्स आपको ढूंढ के लाना है क्या होगा ठीक है एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं आइसलैंड आर्ची पलेगो चिप्स या आपको सॉरी शिप्स या आपको ढूंढ के लाना है क्या होगा हिंट आपका ये कि आइसलैंड के ग्रुप को ग्रुप ऑफ आइसलैंड ग्रुप ऑफ आइसलैंड आइसलैंड के ग्रुप को हम ये बोलते हैं तो बताइए शिप्स के ग्रुप्स को क्या बोलेंगे ये आपको ढूंढ के लाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कल आपसे मुलाकात होगी सेम चार बजे चार पीएम पे आपसे मुलाकात होगी और हम आगे बात करेंगे इसमें डिजिट बेस्ड की डिजिट बेस्ड कल एनोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे ठीक है कल हम बेटा डिजिट बेस्ड की बात करेंगे ठीक है कल डिजिट बेस्ड की बात करेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए पूरा सिलेबस इंशाला कवर करेंगे अल्लाह हाफिज टू ऑल कल चार बजे आपसे मुलाकात होगी डिजिट बेस्ड पर सर इंग्लिश की क्लास नहीं होती क्या बेटा सारी क्लासेस नहीं होती सिर्फ पॉइंट्स और रीजनिंग का मटेरियल मैं आपको दे रहा हूं ठीक है ओके अल्लाह हाफिज टू ऑल इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीगा सर जैद सर की क्लास यूट्यूब पर क्यों नहीं है अब यासे सर को बोल के बोल के नए क्लास प्रोवाइड कराइए जी अच्छा जीएस की जीएस की फ्लीट अलाफिस ठीक है तो इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अलाफिस टू तो ऑल